अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप लोग सब उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे जी मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ तो जी यहाँ पे सुबह का टाइम और जा और आजकल दो दिन से हमारा जो नाश्ता हो रहा है वो पराठों के साथ हो रहा है तो मतलब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी दाल जो रात में बनाई थी ना वो गरम कर ली थी और चाय के साथ इसमें मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया और फाथ को मैंने रोटी चाय के अंदर चूर दी थी क्योंकि उनको इसी तरह से खाना अच्छा लगता हैगा या तो वो स्लाइस खाते हैं और या फिर रोटी चूर के अंदर चूर के ना तो चाय के अंदर खाते हैं तो यहाँ पर बस मैंने कपड़े आयरन करने थे एक दिन नेक्स्ट डे के तो यहाँ मैंने कपड़े वगैरह सारे आयरन करके रख लिए थे और इस बार कपड़े भी ज़्यादा थे तो मुझे तो थोड़ा सा एक से दो घंटे लग गए थे कपड़े आयरन करने में और यहाँ मैं बनाने लगी हुई जी मज़ेदार सा आलू मटर का सालन तो सबसे पहले मैंने टमाटर और प्याज को ब्लैंडर कर लिया था हल्का सा फ्राई करके ब्लाइडर कर लिया था और यहाँ पर जो है ना तेल गर्म करके मैंने जीरा ऐड किया और जो ब्लैंडर मैंने मसाला किया है ना टमाटर और प्याज का वो ऐड कर दिया हल्दी मिर्ची धनिया नमक अदरक लहसन का पेस्ट ऐड किया और भुनाई कर ली जब अच्छे से मसाला मेरा भुन गया जाली पड़ गई और थोड़ा तो थो, फिर उसके बाद जो है मैंने आ, आलू मटर ऐड कर दिए और उसके बाद जितनी मुझे पानी मतलब ग्रेवी रखनी है ना उतना ही मिस्कर ना पानी ऐड कर दिया उसके बाद मैंने इसको हल्की आंच पर दम पे रख दूँगी तो इसी पानी के अंदर ये आलू और मटर दोनों ही जो है न गल जाएंगे अच्छे से तो शाम का टाइम हो गया था और यहाँ मैं बनाने लगी थी जी, जी चाय क्योंकि आज मेरे अम्मी और अबू आए थे घर पे मुझसे मिलने के लिए तो बस यहाँ पे मैंने ये बिस्किट मंगवा लिए थे और ये केक मंगवा लिए थे क्योंकि समोसे वगैरह ये चीज़ें मेरी अम्मी अबू को पसंद नहीं है तो इसलिए जो उनको पसंद है मैंने वही मंगवा लिया तो मेहमानों की भी पसंद का थोड़ा बहुत ख्याल रखना पड़ता है तो यहाँ पर मेरी अम्मी अबू को मेरी अम्मी और अबू को ना ज़्यादातर केक ही ये चीज़ें पसंद है तो इसलिए मैंने मंगवा ली और यहाँ मैं बनाने लगी हूँ जी रात के खाने के लिए डिनर की डिनर के लिए थोड़ा सा मीठा होना चाहिए ना कुछ तो यहाँ मैं बनाने लगी हूँ जो बनाने लगी हूँ असल में मेरे हस्बैंड की जो शुगर है ना आजकल बहुत लो चल रही है तो बस मैंने सोचा उनको आज मैं थो, थोड़ा सा ना मीठा बना के दे देती हूँ सिवैयाँ वगैरह तो इस तरह वो वो भी खा लेंगे और हम लोग भी खा लेंगे हम लोग तो वैसे ही मीठे के शायद आई हैं हम लोग को जितना भी मीठा दे दो बहुत यानी कि हम लोग के लिए वो भी कम है कुछ लोग को मीठा बिल्कुल पसंद नहीं होता है लेकिन हम जैसे लोगों के लिए ना दावत जो है ना मीठे के बगैर अधूरी होती है तो बस यहाँ पर आलू मटर का सालन हो गया था और मैंने बना ली थी जिस सवैया हरी मिर्चें हो गई थी तो रात का डिनर हमने ना इसी तरह से खाया अच्छा शौरे वाला सालन होता है ना मतलब ग्रेवी वाला अच्छी ग्रेवी वाला सालन होता है ना तो मतलब रोटी ये लोग ना मिल के खा लेते हैं मतलब चूर के जिसे जिसे कहते हैं रोटी के चूर चूर लेते हैं रोटी को और इसमें शोरबा वगैरह ऐड कर लेते हैं तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है ये सालन और सबसे से बड़ी बात रोटी को चबाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है और ये है नेक्स्ट डे का क्लिप तो यहाँ पे जो अम्मी एक अबू आए थे एक दिन पहले तो मैंने चाय के कप वगैरह सब निकाल लिए थे डिवाइडर से तो सबसे पहले जो है ना मैंने ये वाला काम करूँगी सुबह उठते के साथ ही तो ये मेरी मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो गई है सुबह से तो यहाँ सबसे पहले मैं उठी उठने के बाद जो है मैंने अपने ये सारे कप वगैरह जो मेरे ड्राई हो गए थे ना उसके बाद मैंने इसको डिवाइडर में सेट कर दिए क्योंकि किचन में ना मुझसे कप वगैरह कांच के बहुत ज़्यादा टूटते हैं तो इसलिए जो है ना मैंने अब सबसे पहले ना यही वाला काम किया कि कांच की जो चीज़ें ना उसको मैं डिवाइडर में रख दूँ और यहाँ पर जो है ना मनिया के भी अपने काम साथ में शुरू हुए हुए होते हैं कभी इनको कुछ चाहिए होता है कभी कुछ चाहिए होता है आजकल तो पानी से इतना ज़्यादा खेलने लगी है ना कि पूरा बेड इन्होंने गीला कर दिया पानी यानी कि ना पूरा गिलास मैंने इनको पानी पीने के लिए दिया और वो भी इन्होंने गीला कर ग, 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 गिरा दिया बेड पर ही बच्चों के भी अपने काम होते हैं जो बस साथ साथ चलते रहते हैं और यहाँ मैं मन साफ करने लगी थी अपना स्टॉप साफ़ करने लगी थी चूल्हा जो दो दिन से मैंने बिल्कुल साफ़ नहीं किया क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला साफ करने का तो बस मैंने सोचा बच्चे स्कूल चले गए हैं हस्बैंड ऑफ़िस चले गए हैं तो बस ये वाला काम भी है ना मैं साथ ही कर लेती हूँ ताकि जो है ना मेरा चूल्हा बिल्कुल साफ़ रहे तो यहाँ पे बस मैं अच्छे से चूल्हे को क्लीन कर लूँगी और डेली ही करती हूँ बस लेकिन इस वीकेंड मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाई तो यहाँ पर जो है ना मैं अच्छी से ट्रे भी साफ़ कर लूँगी क्योंकि दो दिन मेरे बहुत बिज़ी गुजरे हैं अभी मैं एक दिन भाई के घर चली गई थी दूसरे दिन अम्मी अबू ये लोग आ गए थे फिर थोड़ा सा लेट भी उठते हैं ना तो काम हमारे रह जाते हैं काफ़ी सारे और जितने जल्दी उठ जाओ आप सुबह में तो उस दिन सारे ही तकरीबन काम हो जाते हैं तो बस यहाँ पे मैंने सोचा मैं बच्चों के आने से पहले पहले जो है ना अपने सारे ही काम मतलब कर लेती हूँ आज मैं आप लोग के साथ फुल रूटीन शेयर कर रही हूँ अपनी सुबह की कि मैं सुबह उठते के साथ ही मतलब एक मेरे क्या काम होते हैं क्या काम नहीं होते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले मैं उठी मैंने ब्रेकफास्ट किया उसके बाद जो है ना अभी कमरा तो बाकी है ख़ैर अभी कमरे की सफ़ाई बाद में करती हूँ पहले मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ ताकि स्लीप वगैरह अच्छे से साफ़ हो जाए और सारा कचरा डस्ट वगैरह नीचे गिरा गिर जाए और फिर एक साथ ही किचन भी मैं झाड़ू जब लगाती हूँ ना रूम की तो साथ में किचन की भी मतलब सफाई कर लेती हूँ तो साथ में ना पूरा घर क्लीन हो जाता है तो यहाँ बस किचन मेरा क्लीन हो गया था बाकी मैंने चिकन निकाल के रख दी थी वोपी के लिए अभी मैं चिकन बनाऊंगी उसके लिए वोपी के लिए और यहाँ मैं बच्चों के लिए बनाने लगी हूँ जी स्पैगेटी क्योंकि बच्चे स्कूल से आने वाले हैं तो बस मैंने सोचा कि अभी आधा घंटा है स्कूल से आने में तो जल्दी से मैं उनका लंच जो है ना रेडी कर लेती हूँ रात में मैंने आलू बटर का सालन बनाया था तो वो मतलब रात में ही ख़त्म हो गया था मैंने ज़्यादा शोरबा तो हर नहीं किया था और तो ये कि ना इसलिए जो है ना मतलब वो रात में ही ख़त्म हो गया था मतलब मैंने सोचा मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैं वही बना लूँ जो बच्चों को पसंद हो जिसमें वो इंटरेस्ट होकर शौक़ से चीज़ें खा लें तो मेरे बच्चों को ज़्यादातर यही चीज़ें पसंद है स्पैगेटी हुई या फिर मैक्रोनी वगैरह सोई या फिर इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा तो उन्हें है पसंद हैं तो मैं उसी उन्हीं के टेस्ट के मुताबिक मतलब बना देती हूँ जिस तरह से वो खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पर बस जो है ना मैंने भी शिम सिंपल सी बंद गोभी और शिमला मिर्च थोड़ी सी कट कर ली है यहाँ पे तेल गरम करके मैं बंद शिमला मिर्च ऐड कर दिया अदरक लहसन के साथ इसको भून लूँगी और वहाँ दूसरी तरफ मैंने स्पैगेटी को बॉईल करने के लिए रख दिया है जब मेरी स्पैगेटी बॉईल हो जाएगी तो मैं इस तरह से इसको सारे छाबी बास्केट के अंदर निकाल लूँगी बास्केट के से जो आवाज़ आ रही है ना है मनीहा की तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि अभी उनको पता है मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और वो जान बूझ के जो ना बोलती हैं हालांकि मैं उनको कहती हूँ कि भाई जब वॉइस ओवर करा कर, करूँ ना मैं तो यार प्लीज़ खामोश हो जाया करो और जब बच्चे अपने पापा के साथ रात में लंच लेने जाते हैं ना मैं मेरे रूम में बिल्कुल अकेली होती हूँ तभी ये मैं वॉइस ओवर का काम करती हूँ मेरी वॉइस भी ओवर नहीं हो पाती है ये लोग इतनी जल्दी आ जाते हैं मैं हस्बैंड से कहती हूँ कम से कम यार आधी एक घंटा तो इसको इन लोगों को रख लिया करो बाहर ले जाया करो थोड़ा सा घुमा फिरा दिया करो मैं सारा दिन इन लोगों को संभालती हूँ तो एक घंटा के लिए ले, ले जाया करो हस्बैंड <laughs> बस चीज़ें इनको दिलाते हैं स्कूल के लंच की चीज़ें दिलाते हैं और उनको फ़ौरन घर भेज देते हैं तो क्योंकि ये लोग तंग बहुत ज़्यादा करते हैं कभी ये चीज़ें चाहिए कभी वो चाहिए कभी वो चाहिए तो खैर या फिर मैं बाज़ार चली गई थी बाज़ार से मैं आई मुझे थोड़ा सा ग्रॉसरी वगैरह करनी थी थोड़ी सी सब्ज़ी वगैरह लेनी थी तो मैंने वो ली और यहाँ पे ये वाला एक मैं पीस लेकर आई हूँ नभिया मनिया दोनों बहनों के लिए दोनों बहनों का मैं इनशाला एक जैसा बनाऊँगी कल शब कल शबरात है तो इनशाला शबरात पर जो है ना मैं दोनों बच्चों के नए सूट बनाऊँगी शर्टें बनाऊँगी सिर्फ कुर्तियाँ ही बाकी वाइट ट्राउजर्स इन लोग के रखे हुए हैं वाइट शलवारों के साथ ये लोग पहन लेंगे कटिंग मुझे नहीं आती कटिंग मैंने अपनी नन से करवाई है क्योंकि मैंने से कपड़े कटिंग करवाती हूँ और बाकी मुझे कटिंग नहीं आती है हाँ मुझे सिलाई आती है तो वो मैं सिलाई कर लेती हूँ वो मैं सिलाई बहुत अच्छे से कर लेती हूँ लेकिन बस कटिंग में ना तो मुझे थोड़ा सा इशू रहता है कि गलत ना कट जाए कपड़ा हालांकि ऐसी बात नहीं है मुझे बिल्कुल कटिंग नहीं आती कटिंग में फिर भी थोड़ी बहुत तो कर लेती हूँ लेकिन फिर भी मुझे डर सा रहता है क्योंकि क्यों काफ़ी टाइम हो गया है ना मैंने कटिंग कर नहीं करी तो इसलिए डर ही रहता है कि कहीं कपड़ा वगैरह कहीं ख़राब ना हो जाए ज़ाया ना हो जाए तो खैर ये मुझे चुंदरी प्रिंट मिला था मुझे फ़ोर का मिला है ये पूरा यानी कि ना शर्ट पीस है बड़ा शर्ट पीस होता है ना वो है तो यहाँ वे दोनों बच्चियों के माशाला से बन गए हैं तो जब मैं चीज कर लूँगी ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी और यहाँ मेरी बदन लीलाव भी बैठी हुई थी बातें वगैरह कर रही थी तो सब्जी मैंने उन्होंने मेरे साथ सब्ज़ी बनवाई कोई भी हेल्प कर देना जरा सी तो यार बड़ी हेल्प मिल जाती है अकेले बंदे के लिए जब काम अकेला करना वाला हो ना बंदा अगर उसके साथ कोई भी थोड़ा बहुत काम करवा देना तो बड़ी हेल्प हो जाती है तो बस जहाँ पर मेरी मदर इन ने जल्दी जल्दी मेरे साथ सब्ज़ी बनवाई तो इसलिए मेरा काम ना जल्दी हो गया वरना मैं अकेली बनाने बैठती ना सब्जियाँ तो यकीन करें आप मेरा काम जो है ना रात तक खत्म नहीं होना था तो आज हमें कहीं जाना था तो उस वजह से मेरी मदर इन लोग जल्दी जल्दी मेरे साथ सब्ज़ी बनवाई सब्ज़ी जल्दी ही बन के तैयार हो जाती है तो बस मैंने सोचा कि मैं आके ही बनाऊँगी सब्ज़ी खाना तो जहाँ मुझे जाना था मैं वहाँ से होकर आ गई हूँ अभी मैंने सरसों का तेल गरम किया उसके अंदर जीर ऐड कर दिया उसके अंदर मैंने अच्छा अदरक का भगाड़ देती हूँ मैं लहसन का नहीं दिया अदरक का भगाड़ दिया है अदरक मैंने बारीक बारिक लंबी लम्बी कट करके इसका अंदर ऐड कर दी है उसके साथ ही मैंने इसके अंदर प्याज भी ऐड कर दी है अदरक से इतना मज़ेदार ये सालन हो जाता है ना सब्ज़ी इतनी मज़ेदार बन के तैयार होती है ना कि आप खाते ही रह जाएँ तो बस जहाँ मैंने प्याज ऐड कर दिया है प्याज मेरी हल्के से देखें फ्राई हो गए तो उसके अंदर मैंने टमा अदर लहसन का प्याज हल्दी मिर्च धनिया नमक ऐड कर दिया है अब आप जितनी मतलब हसबे तौफ़ी जितना आप खाना पसंद करते हैं उतना आप ऐड कर सकते हैं मैंने अपनी क्वान्टी मतलब अपने बच्चों के हिसाब फैमिली के हिसाब से उसके अंदर ऐड किया है अच्छा यहाँ मैं मसाले को बहुत अच्छे से भून लूँगी अच्छा यहाँ मैंने चिकन क्यूब्स भी ऐड करी है चिकन क्यूब्स है ना बड़े मज़ेदार सा फ्लेवर हो जाता है अच्छा मैं टमाटर को यहाँ से ना सॉफ्ट कर लूँगी सॉफ्ट कर लूँगी टमाटर को ताकि जो है ना अच्छे से मसाला मेरा जो है ना भुन जाए बस इसी तरह से मसाला जब मेरा भुन जाएगा तो मैं इसके अंदर जो सब्जियां हैं वो ऐड कर दूंगी अच्छा इसका अंदर हरी प्याज इस बार मैंने ऐड नहीं करी है लेकिन आप लोग कभी भी बनाएं हरी प्याज के पत्ते जो होते हैं ना ग्रीन पार्ट जो होता है वो ज़रूर ऐड किया करें उससे बहुत मज़ेदार फ्लेवर आता है बहुत अच्छी खुशबू आती हैगी तो यहाँ पर बस मेरे एक ही ब्लॉग के अंदर आपको कई सारी रेसिपी बता दी है तो बनाइएगा ज़रूर बहुत मज़ेदार बनती हैं ये सारी रेसिपी और जी यहाँ पर बस मेरी सब्ज़ी हल्की आज पे दम पे रख दूँगी इसको और सब्ज़ी मैंने बना दी है बच्चे हस्बैंड ये लोग सब खा लेंगे बाकी मैंने अपने लिए बनाए हैं जी बैगन बनाऊंगी बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊंगी बिल्कुल सादे तरीके से बनाऊंगी क्योंकि मुझे बैगन बहुत पसंद है और मसाले मसाले वाले पसंद नहीं है मतलब सिंपल पसंद है यहाँ मैंने बैगन को कट कर लिया है तेल गर्म कर दिया है ज़ीरा ऐड कर दूंगी ज़ीरा ऐड करने के बाद जो है बस मैं इसके अंदर बैगन ऐड कर दूँगी और उसके अंदर कुटी हुई मिर्च और नमक ऐड करूँगी इसके अलावा कुछ भी ऐड नहीं करूँगी पाँच मिनट के लिए इसको दम पे रख दूँगी क्योंकि बैगन जो है ना इतनी जल्दी बन के तैयार होते हैं ना बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाएंगे बस अभी मैं इसको पाँच मिनट के लिए दम पे रखूँगी ये फ़ौरन से बनके तैयार हो जाएंगे तो जी ये हमारी हो गई थी मज़ेदार सी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी और यहाँ मेरे बैगन भी रेडी हो गए थे तो जी बस आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा जी मिलती हूँ बहुत चलती न्यू वीडियो के साथ तो जब तक के लिए जी थैंक यू फॉर वॉचिंग हाफिज़ बाय बाय